राज मताई जैसलमेर टीम को मेडल पहना था। आप एक एक बैच लगाओ, एक एक बैच लगाओ सबरे। तो देखिए बैच लगाकर और मेडल पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बोलो जसवा माता की, बोलो भागीरथ महाराज की, ठाकुर जी महाराज की। देखो ठाकुर जी ने हम सबको इकट्ठा किया है, ये उनकी कृपा रही है, हमको ठाकुर जी के वहाँ जरूर जाना है, हाजिरी भरनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पता रहे, आपने भागीदारी निभाई। आप ले लेंगे बाद में ले लेंगे अपने एक साथ, आप बिल्कुल स्वागत करा ले। ताली बजा भाई, ताली बजा, ताली बजा। बिल्ला लगाए सभी, बिल्ला लगा के रखें, बिना बिल्ले के कोई नहीं जाएगा, बिल्ला लेके जाएंगे। हाँ ये देखिए हमारे समाज के वीर भूमि पे नारू जी, हमारे प्रेम जी, प्रेम शंकर जी, सभी तो राज बताई जैसलमेर की टीम है। नाम बता दिया अपना, देवेंद्र पाल ओढ़, पूरा बताओ ना। राज मताई जैसलमेर कौन बोलेगा, जैसलमेर सभी पूरा एकला है। राज मताई जैसलमेर पूरा बोलना है, भरत ओढ़ राज मताई जैसलमेर। हाँ वही है राज मताई जैसलमेर जी, आगे बोलो। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कितने 11 हो गए, गिन लो एक बार, एक और एक और दूसरों को दे दो ना, आपके प्लेयर को दे दो, छोटू आजा, भवन सिंह जी आप पे रहो, रुको भवन सिंह जी बनाएंगे, ये हमारे अतिथि है। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे, थोड़ी सी व्यवस्था जमा लें। तो वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में आपने क्रिकेट टूर्नामेंट का मैं प्रतिभागी मिली है, भागीदारी निभाई, कैसा लगा है और क्या आपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? बढ़िया लगा, आगे से भी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और भी जो इसमें कुशलता करनी है उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये हमको सुधार करना है, समाज को बताते रहे जहाँ भी जाए। बोलने से देखो भावनाएं खुलती है, अगर हम मांगेंगे नहीं तो मांगे बिना कहता माँ भी नहीं परोसती है, तो हम मांग करें किसी न किसी चीज की। आज इतना अच्छा लग रहा है, देखिए आपके गले में मेडल और ये माँ जसमा का लोकेट जो आपकी पहचान कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, राज मताई को, आप सभी ने टीम को भागीदारी। संजय जी दो शब्द हो जाए, इसी मैदान में इसी वीर भूमि पर कैसा लगा और क्या आप सोचते हैं और ये समाज की प्रगति के लिए क्या देखते हैं आप, एक नई उम्मीद? सबसे बढ़िया तो ये समाज ओढ़ का टूर्नामेंट बहुत अच्छा लगा, एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है, हमारे को साल बाद एक टूर्नामेंट होता है बहुत अच्छा है, हर साल आते खेलने के लिए रामदेव भाई सारी तरफों में, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस टूर्नामेंट में ऐसी क्या खासियत थी जो अटैक कर रही है? अटैक तो बहुत बढ़िया, जो कमेटी है बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवा रही है, और बहुत अच्छे ओवर 10 ओवर का टूर्नामेंट होता है वहाँ पर, हमारे 6 और 5 ओवर का टूर्नामेंट होता है, खेलने के लिए मिलते हैं 2 ओवर भी खेलने मिलते हैं, 10 ओवर कहीं भी नहीं होता, ये बहुत बढ़िया कमेटी की तरफ से 10 ओवर मिलने के लिए। पर ये क्या था, ओवर होगा तो ही खेलेगा बाकी नहीं खेलेगा, ये कौन सा? ये ओवर सही है, अपने समाज के लड़के पिछड़े परिवार के होते हैं वो खेल नहीं पाते, ओवर समाज का टूर्नामेंट होता है बहुत बढ़िया है, एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है हमारे को, मतलब आप इसको पॉजिटिव लेते हैं? हाँ बिल्कुल बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही बहुत धन्यवाद। हाँ और भी हमारे युवा साथी वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे, क्या नाम है? सोनू। सोनू क्या सोचते हैं आप और किस नज़र से देखते हैं आपको? हमारे ओल्ड समाज के जो प्लेयर हैं लेकर के आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू का, और सोनू तुम कितनी पढ़ाई किया, एजुकेशन किया है, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? अच्छा आगे पढ़ाई जारी है, समाज के रत्न वाणी सिंह जी लगातार लगातार देखिए, नहीं भगवान सिंह जी कुछ तो बोलना पड़ेगा, देखिए आप हमारे लीडर है और लीडर की भूमिका तो निभानी पड़ेगी। तो भवानी सिंह जी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं चित्तौड़ में देख रहे हैं या अन्य जगह टूर्नामेंट हो रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं, क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है एक तो शिक्षक है और एक गर्वित है समाज में, क्या कल्चर क्या है
क्या जॉब कर रहे हैं लोग, कहाँ पर कम निम्न स्तर पर लोग हैं, उनको ऊपर लाना है, बढ़ावा कर लाना है। बिल्कुल सही बात की। और आपने जो इंदिरा नगर में जो करके दिखाया, शायद वो अन्य जगह नहीं है, अभी तक नहीं है। आप इंदिरा नगर का जो उदाहरण और संदेश देख सकते हैं, मैं कहता हूँ आपने जो वीडियो बनाई है उसको भी शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि इंदिरा नगर की धरती पे किस प्रकार से समाज के परिवार के लोग हिल मिल के रहते हैं, एकता और अखंडता के साथ रहते हैं, समाज की कुरीतियों को त्याग कर एक अच्छाई की ओर बढ़े। कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा समन्वय हुआ है, इसमें आपके पिताजी का रोल अच्छा रहा है, आपके ताऊजी का रोल रहा है, आपके संपूर्ण परिवार का बहुत बड़ा किरदार रहा है समाज में, और शायद वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, ऐसे महापुरुष नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। और आज हम घर से कहते हैं पारस जी के चरणों में नमन करते। आइए और भी चलते हैं बड़े भाई साहब के साथ और लेते हैं एक खास इंटरव्यू। कैसा लग रहा है इस वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में? हमारे फर्स्ट टूर्नामेंट और हमारे फर्स्ट टाइम आए हम तो, घूमने के लिए भी आए, अच्छा लगा है, अच्छी सेवा की लोगों ने, बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। चार धाम की यात्रा कर ली जाए या इस समाज के मौका मिला तो जाएंगे जरूर, घूमने जाएंगे के बाद भी बहुत बढ़िया। तो सभी के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है और अब चलते गाड़ी के अंदर सीधे। और बड़े भाई साहब नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार ओड है सर। अच्छा अच्छा, आपने जो और टूर्नामेंट करवाया ओड समाज का, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हम सब ने किया, ये तो किसी ने करवाया ही नहीं है। पहले तो आपकी बारी है, जो आप मेहनत कर रहे हो ये कर रहे हो, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस हमारे समाज में जो ये टूर्नामेंट के साथ साथ जाति का एकीकरण होगा ना, तो मामला बनेगा और समाज को तभी आगे आएगी समाज। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, खेल खेल के साथ भी सभी को समाज के प्रति सभी भावना एक भाव से रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे विचार। उठिए स्टार क्लब के गेंदबाज से हम मिलेंगे, नाम बताइए। सुमेर। सुमेर धन्यवाद आयोजनकर्ता को, सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समाज के महापुरुष, हमारे हमारे सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने आज इंदिरा नगर की इस धरती, एक मिनट, इंदिरा नगर की इस धरती पर आकर काफ़ी अच्छा लगा है। प्रेम जी से सीधी बात करेंगे। प्रेम जी, यहाँ न किसी की हार है न किसी की जीत हुई है, सभी हमारे परिवार के लोग हैं। एक मिनट प्रेम जी, क्या कैसा लगा आज आपको? लगा और समाज का अच्छा विकास हो रहा है। एक प्रगतिशील समाज बनाने के लिए क्या भूमिका है? अच्छा काम हो रहा है, ये तो होना चाहिए हर साल। बिल्कुल उम्मीद तो ये रखते हैं कि हर साल नया करें, बढ़िया करें। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप कुछ बता दीजिए, बता दो आप। बिल्कुल होता है, समाधान भी होता है, गलती भी होती है, काम होते हैं जहाँ छोटे से भेदभाव भी हो जाते हैं, लेकिन समाधान हो जाता है। बिल्कुल आज हमको आपके जो टीम ने हमको बाहर फेंका है, नहीं नहीं गलती है ना? नहीं 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 ऐसा नहीं है, देखो यहाँ कोई भी गलत नहीं है। मैंने कहा था खेल के रूल्स आप जानते हो, हमारा परिवार जिसमें खुश रहे हम उसी में खुश रहना चाहिए। अच्छा लग रहा, मुझे ये बात बताओ, अगर कोई मर्डर भी कर देता है उसकी फांसी पाँच साल बाद होती है। सही बात है, ठीक है, हम लोग मर्डर नहीं, कोई बात नहीं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें एक बार हाथ जोड़ लेते, कोई बात नहीं, हम जज दिन हम नमन करना सीख जाएंगे। कोई बात नहीं, हाँ नमन कर एक बार कर लो, मैं भी आपके साथ कहते हैं कि अदर कास्ट वाला अगर फैसला करता है तो वो भी हम तैयार हैं, हाथ जोड़ के जा सकते हैं। कोई बात नहीं, चलेंगे, मैं आपके साथ चलूंगा, चलूंगा। देखिए क्षमा मांगने वाला संसार में सबसे बड़ा होता है, हमारी गलती होगी ना, हम कह रहे ना। कोई बात नहीं कैला जी, कोई गलती नहीं हुई, ये खेल है हमारे समाज का, कोई खेल नहीं, दूसरी बार भी खेलना, हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे। देखिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, हमारे समाज को एकता और अखंडता के लिए है, हम लोग एक दूसरे से मिले हैं, माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और कैसा लग रहा है? ठीक है, छोटी बड़ी बातें होती है, जब बड़ा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं चूक हमसे भी हो जाती है, कभी खिलाड़ियों से हो जाती है। चलिए चलते हैं मैदान की ओर। नहीं मारो नहीं, हाँ मैं कर रहा हूँ। तो चलिए मैदान की ओर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से चल रहा है भाई। एक